अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हंसी खुशी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दुआ है जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियां बांटते रहें, आमीन। इसी दुआ के साथ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल अनुम टीवी ऑफिशियल में खुश आमदीद कहती हूं। व्यूअर्स, आज की वीडियो आप सबके लिए एक बहुत ही सैड न्यूज़ लेके आई है। इकरा अजीज़ के फैंस के लिए एक सैड न्यूज़ है, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसा कि आप जानते हैं, इकरा अजीज़ और यासर हुसैन ने इकरा अजीज़ की प्रेगनेंसी के बारे में बहुत धूमधाम से ऐलान किया था और उसके बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फंक्शन भी किए, जिसकी तस्वीर उन्होंने लोगों के साथ शेयर की अपने फैंस के साथ। फैंस ने उन तस्वीर को बहुत ज़्यादा सराहा और खूबसूरत, और माशाल्लाह से ईद के तीसरे दिन इकरा अजीज़ और यासर हुसैन एक खूबसूरत बेटे कबीर हुसैन के वालदैन भी बन गए, जो कि बहुत खूबसूरत है। इकरा अजीज़ और यासर ने अभी तक इस बेटे की कोई भी मुंह की तस्वीर अपने फैंस के साथ शेयर नहीं की। फैंस को इकरा अजीज़ के बेटे की तस्वीर देखने का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है। उन्होंने जब भी कबीर हुसैन की तस्वीर की, कभी हाथ की, कभी उल्टे बैक की, लेकिन सामने से अभी तक तस्वीर शेयर नहीं की। आपको बताते चलें कि जो ही इकरा अजीज़ को इतनी बड़ी खुशखबरी मिली, वहाँ इकरा अजीज़ के लिए एक बहुत ही सैड न्यूज़ है। इकरा अजीज़ बेचारी बेताबी से रो रही हैं, गहरे सदमे में हैं, क्योंकि यासर हुसैन का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है, वो हॉस्पिटल में दाखिल हैं। दुआओं की अपील आवाम से की जा रही है। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि यासर हुसैन के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा कि वो अपने बेटे और बीवी के सर पे ऐसे ही कायम रहें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना भी ढेर सारा ख्याल रखिएगा।